अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बिल्कुल अपने बाप पर गई है लड़की। ये बेड पर बिखरे हुए कपड़े, ये आड़े टेढ़े जूते, बिल्कुल ऐसे निहार भी ऐसे करता था कि गुस्सा आया नहीं कि सामान इधर उधर उठाकर फेंक। मेरी झांसी की रानी क्या हुआ? रुक, क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा कर रही है? ना कि गुस्सा नहीं आएगा। वो आके कितनी बकवास कर रही थी मेरे बारे में, बोल तो करो ना, ये कल तो वही तोड़ दूं। हे भगवान, जूही को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब कैसे इसे समझाऊं कि बदनामी होगी तू समर से शादी कर ले। तुम बहुत चालाक हो ना पूनम, अपनी पोती की शादी अमीर घर में करने के लिए ये सब कांड किया। लेकिन अब देखना कैसे मैं इस वीडियो का फायदा उठाकर तुझे घुटनों पर लाती। बेटी नरेश जी, मैं समझ सकता हूँ, आज आपके लिए बहुत खास दिन है, आपके पोते की शादी है, लेकिन कल जो हुआ बिल्कुल सही नहीं हुआ। देखिए जी, शादी में आने का फैसला मैं अकेले नहीं रह सकता, मुझे परिवार से बात करनी होगी। जी हाँ, मैं अपने परिवार से बात करके आपको बताता हूँ। जी, हम में से कोई नहीं जाएगा शादी में। रतन जी, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। तुम अगर अपने भाई के शादी में जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक फैसला लेना होगा। ये कलश तुम्हारी विदाई में तुम्हारे मायके से मिला था, और ये कलश तुम्हारे ससुराल के सफर की शुरुआत में तुमने खुद स्थापित किया था। हाँ हाँ मम्मी जी, लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? रूही, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें इन दोनों में से एक को चुनना होगा। तुम्हें आज ये फैसला लेना होगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा मायका जरूरी है या तुम्हारा ससुराल। रोहे, आज जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन पता है आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, क्योंकि आज हम दोनों ने एक दूसरे को पा लिया। सच बताऊं तो इस दिन के लिए बहुत एक्साइटेड था, बहुत कुछ सोचा था। इट शुड बी ह्यूज, वेरी ग्रैंड, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो हुआ उसके बाद ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा सरप्राइज रखा है तुम्हारे लिए। बिल्कुल अपने बाप पर गई है लड़की। ये बेड पर बिखरे हुए कपड़े, ये आड़े टेढ़े जूते, बिल्कुल ऐसे निहार भी ऐसे करता था कि गुस्सा आया नहीं कि सामान इधर उधर उठाकर फेंक। मेरी झांसी की रानी क्या हुआ? रुक, क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा कर रही है? ना कि गुस्सा नहीं आएगा। वो आके कितनी बकवास कर रही थी मेरे बारे में, बोल तो करो ना, ये कल तो वही तोड़ दूं। हे भगवान, जूही को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब कैसे इसे समझाऊं कि बदनामी होगी तू समर से शादी कर ले। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया? ये आपको क्या हो गया? अचानक से रोने क्यों लग गए अब आप? मेरे पास पैर। बेटा, मैं तुझे बताऊं, ये जो लड़कियां होती है ना, ये कांच की गुड़िया की तरह होती है,
इनके दामन में अगर बदनामी का जरा सा काला दाग लग जाए तो उम्र भर मिटाए नहीं मिटता। तुझे समर के साथ खबरे में मोहल्ले की औरतों ने देख लिया, रिश्तेदारों ने देख लिया, तो जाने अपने घर में आस पड़ोस में कैसी कैसी बातें बना रहे होंगे, क्या क्या कह रहे होंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इसीलिए मुझे समर का क्या है? समर तो लड़का है, ऊपर से अमीर है। तुझे बताओ यही फर्क होता है लड़का में और लड़की में। ऊपर से हंसी आ जाती है तो कोई नहीं छोड़ता, पूरा समाज छोड़ता नहीं है उसे। बेटा मैं तुझे सच सच बता रही हूँ, तेरा घर से निकलना मुश्किल कर देंगे ये मोहल्ले वाले। दी आप भी ना, अरे क्या बोले जा रहे हो? अरे मेरी बच्ची मैं तुझे क्या बताऊँ, तुझसे कहीं ज्यादा दीवानियां देखी है मैंने। अरे इन बूढ़ी हड्डियों ने कैसे तुम दोनों बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया है ना, ये आकर मेरे दिल से पूछो कभी। ऐसे ही नहीं बड़ी हो गई दोनों? हाँ। तुम दोनों की इज्जत बनी रहे, कोई उंगली उठाकर नहीं कह सके कुछ भी, इज्जत पर आज नहीं आने दी। मैं चार चार आके लिए फिरती थी मैं, कहीं कुछ ना हो जाए, सब ठीक ठाक रहे। लेकिन आज ए भगवान आज तो सब खत्म हो गए। बस मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये दोनों परिवारों के बीच है, बस यही सब सुलह सफाई हो जाए, बाहर तक बात नहीं जाना चाहिए, ये ज्वालामुखी बनकर नहीं फटना चाहिए, जो ये नहीं तो बहुत बदनामी हो जाएगी। बेटा समझ रही है ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? तुम बहुत चालाक हो ना पूनम, अपनी पोती की शादी अमीर घर में करने के लिए ये सब कांड किया। लेकिन अब देखना कैसे मैं इस वीडियो का फायदा उठाकर तुझे घुटनों पर लाती हूँ। रूही, आज हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं आज के दिन हम दोनों एक दूसरे से एक वादा करें। देखो रूही, सुख दुख तकलीफ दर्द ये सब जिंदगी के दूसरे नाम हैं। इस सफर में बहुत तकलीफ मिलेंगी, बहुत मुश्किलें मिलेंगी, लेकिन इन सब के बीच हम एक दूसरे को वादा करते हैं कि हम अपना ये रिश्ता कभी नहीं खोने देंगे, अपना प्यार कभी नहीं कम होने देंगे। देखो परिवार है, दिक्कतें आएंगी, लेकिन इन सब में परिवार की दिक्कतें हमारे बीच दीवार नहीं खड़ी करेंगी। नहार जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि चाहे आज के बाद कुछ भी हो जाए, हमारा साथ बिल्कुल ऐसे ही मजबूत रहेगा, अटल रहेगा, बिल्कुल इस इन्फिनिटी की तरह। जब कैला तू बन गईला, नजरवा के कजरवा हो, गजब कैला तू बन गईला।
गजरवा के गजरवा हो जिया ना गल तमन मातल जिया ना गल तमन मातल बना दिहलो हमारा तेरा मिलना है सब कुछ ना कुछ पाने को बाकी है तेरा मिलना है सब कुछ ना कुछ पाने को बाकी है तुझसे ही सांस आती है जीने के लिए तू काफी है जीने के लिए तो काफी है खाटू जी इस पल के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अब बस मम्मी जी को मुझसे जो नाराजगी है वो दूर हो जाए दोनों घरों के बीच सब ठीक हो जाए अब देखिए जननी एआई की कहानी तीन दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर अरे कुलदीप बेटा देखो ये कल का डेकोरेशन ना वो निकाल दो अब दूसरी लड़ियां लगाओ शादी है ना बेटा आज है ना हाँ वो चेंज कर दो पूरा अच्छा लग रहा नहीं हाँ लड़ियां चेंज करवा देंगे हाँ ये प्रतीक के पापा हाँ कही मैं क्या कह रहे थे कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या आपको लगता है कि रूही के ससुराल वाले शादी में आएंगे कल की बातों से वे नाराज तो बहुत थे लेकिन समझी हैं हमारे एक बार बात कर लेता हूँ रतन जी से देखिए नरेश जी मैं समझ सकता हूँ आज आपके लिए बहुत खास दिन है आपके पोते की शादी है लेकिन कल जो हुआ बिल्कुल सही नहीं हुआ देखिए नरेश जी शादी में आने का फैसला मैं अकेले नहीं रह सकता मुझे परिवार से बात करनी होगी जी हाँ मैं अपने परिवार से बात करके आपको बताता हूँ जी हम में से कोई नहीं जाएगा शादी में रतन जी कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी सोनी बिल्कुल सही कह रही है रतन कल उन लोगों की वजह से हमारी बहुत बदनामी हुई है अगर दोबारा उस घर में गए तो वही पुरानी बातें दोहराई जाएंगी इसीलिए अच्छा है कि हम सब घर में ही रहते हैं लेकिन दादी रूही के भाई की शादी है नाहार मैंने कहा ना हम में से कोई नहीं जाएगा अगर रूही को अपने मायके वालों से इतना ही प्यार है तो रूही जा सकती है तुम अगर अपने भाई के शादी में जाना चाहती हो तो जाओ लेकिन उससे पहले तुम्हें एक फैसला लेना होगा
ये कलश तुम्हारी विदाई में तुम्हारे मायके से मिला था, और ये कलश तुम्हारे ससुराल के सफर की शुरुआत में तुमने खुद स्थापित किया था। हाँ हाँ मम्मी जी, लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? रूही, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें इन दोनों में से एक को चुनना होगा। तुम्हें आज ये फैसला लेना होगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा मायका जरूरी है या तुम्हारा ससुराल। तुम जो चुनोगे उसका कलश मंदिर में रहेगा, और दूसरा तुम खुद अपने हाथों से तोड़ोगे। तो बताओ रूही, क्या फैसला लिया तुमने, मायका या ससुराल, कौन सा कलश तोड़ रही? तुम चश्मे में ही अच्छी लगती हो, बिल्कुल अपनी माँ की परछाई लगती हो तुम। तुम्हारी सादगी में ही सुंदरता है बेटा। बोलो रूही। मम्मी जी, आप तो जानती है ना कि एक लड़की का कभी भी एक घर नहीं होता मायके में, अगर वो अपना बचपन बिताती है, जिंदगी के सपने देखती है, तो उन सपनों को पूरा वो अपने ससुराल में करती है। जिंदगी का एक अध्याय वो अपने मायके में पूरा करती है, तो दूसरा ससुराल में। तो आप ही बताइए, मैं अपने दोनों घरों में से किसी एक घर को कैसे चुन लूं और कैसे दूसरे कलश को तोड़ दूं? और मम्मी जी, बिल्कुल भैया मेरे एक लौते भाई हैं, मैं कैसे उनकी शादी में ना जाऊं, आप ही बताइए। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे वो तुम्हारा सगा भाई हो। अरे कौन सा खून का रिश्ता है तुम्हारा उससे? मम्मी जी, खून के रिश्ते से कई गुना बड़ा दिल का रिश्ता होता है, और ये आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? आपने भी तो नाहर जी को दिल से अपना बेटा माना है ना, उनको जन्म ना देकर भी आपने सगी माँ से भी ज्यादा उनको प्यार दिया है ना। बात को गोल गोल घुमाओ मत रोही, साफ साफ जवाब दो, ससुराल या मायका? शायद लड़कियों की जिंदगी में ही अपने रिश्तों की कसौटियों को पार करना लिखा होता है, लेकिन मम्मी जी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी बात का मान रखते हुए और अपने मायके का सम्मान रखते हुए मैं किसी भी कलश को नहीं तोड़ूंगी, लेकिन मैं अपनी
बाप की शादी में नहीं जाऊंगी। छोटी माँ, क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज रूही की जगह अगर अवनी होती तो उसे भी यही सवाल किया जाता, उसे किसी एक को चुनना होता तो आपके हिसाब से वो किसे चुनती? ससुराल या मायका? जिस तरह रूही ने मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनकर मुझसे और मेरे परिवार से रिश्ता जोड़ा है, ठीक वैसे ही मैंने भी रूही के नाम की अंगूठी पहनकर रूही से और उसके परिवार से रिश्ता जोड़ा है। इसलिए मैं आज रूही को उसके भाई की शादी में लेकर जरूर जाऊंगा। रूही, जाओ, तैयार हो जाओ। क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? ये समर किसको फोन करने से इतना हिचकिचा रहा था? समर पे तो जूही का भूत सवार हो गया है। इससे पहले कि बात हाथ से निकले मुझे इसका कुछ करना होगा। नाना जी, शादी में आने के लिए और रूही को अपने साथ लाने के लिए मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं रतन जी से किस मुंह से माफी मांगू मुझे समझ नहीं आ रहा है। सच को दादो, कल जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी, इसलिए माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। थोड़ा समय देते हैं, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जितना जल्दी ठीक हो जाए उतना अच्छा है। जूही, तू ठीक है ना? तेरा गुस्सा शांत हुआ? हाँ, कल से थोड़ी शांत हूँ, लेकिन आज अगर किसी ने कुछ भी कहा ना तो उसकी खैर नहीं है। जूही प्लीज, अगर कोई कुछ कहे भी तो तू उनकी बातों पर ध्यान मत देना। और देख, आज पिंकू भैया की शादी है, तू थोड़ा कंट्रोल कर लेना प्लीज। पिंकू भैया के लिए इसे वैसे समर कैसे? समर, क्या तुम्हें जूही पसंद है? इसकी आंखें बता रही हैं कि ये जूही को पसंद करता। हेलो, क्या हुआ? जूही, वो समर भैया ठीक है। वैसे जूही, मैं तुझसे एक बात पूछूं, क्या तुम समर भैया को पसंद करती है? अब मेरा मतलब, क्या तू उन्हें पसंद करती है? सीरियसली रूही, तू भी शुरू हो गई? सबके सब मेरे पीछे ही क्यों पड़ गए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। जूही, जूही जूही के दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैं मम्मी जी को कैसे समझाऊं?